अस्सलाम वालेकुम। आज फौजिया के दस्तरखान पे बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम अपने दस्तरखान पे पास्ता वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। अभी जो हमें चाहिए मुर्गी है, मैंने सीने की 4-5 बोटियाँ लेके उसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं, और काली मिर्चें हैं 1.5, और नमक है हसब ज़रूरत जितना अपना डालना चाहें, और अदरक और लहसुन के छोटे छोटे पीस, और चीज़ और क्रीम मैंने मिक्स करके फेंटा है इसको, और ये 2 चम्मच है मैदा के, और ये है मैक्रोनिस 1 पैकेट, दूध है और ऑरेगानो के पत्ते। ऑयल मैंने डाल दिया, अब इसे गर्म हो रहा है और चिकन हम डालेंगे फ्राई करने के लिए। करने लगे कलर जैसे इसका चेंज होगा उसमें हम काली मिर्चें और नमक डालेंगे। ये इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्चें। और इसको हम 3 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे कि सीना की बोटियाँ हैं जल्दी गल जाएंगी। 3 मिनट हो गए और हम इसको बंद कर रहे हैं। हम बनाने लगे हैं वाइट सॉस, और इसमें मैं अब डालने लगी हूँ मक्खन। मक्खन मेरा डल गया है, और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। अब हम इसमें मैदा डाल दिया, मैं इसको अच्छी तरह इसको भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू आ जाए। मैं दूध डालने लगी हूँ और साथ साथ मैं हिलाती रहूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। हम इसको थिक करेंगे। ये हमारा थिक हो गया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम और चीज़। ये मैं अब काली मिर्ची डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, और नमक है हसब ज़रूरत मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑरेगानो के पत्ते अब हम डाल रहे हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। जी मेरी वाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख भी रहे हैं, और अब मैं डालूंगी मैक्रोनिस। मैंने मैक्रोनिस डाल दी है, ये देखें, और अब हमें इसमें चिकन डालेंगे। अब मैंने सारा मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। जी अब मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी मेरा पास्ता बिल्कुल वाइट पास्ता बिल्कुल तैयार है, और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। जी ये मेरा तैयार हो गया है। प्लीज़ गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी लग रहा है। और मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, और रेड बटन ज़रूर दबाइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।